हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉली और इस वक्त हूं मैं अपनी मम्मी जी के घर पे उनके अपने हाथ का बना हुआ लजीज खाना खाने के लिए आए। वैसे कितना ही अरसा हो गया मम्मी जी। जरा अच्छी तरह अंग्रेजी में कहना सब्सक्राइब करें, मैं तो तरले कर करके थक गई थे। व्यूवर्स, आपने लाजमी मेरी मम्मी जी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे मम्मी जी आप बना क्या रही हैं? वैसे तो पुत्र महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे लगता है कि ना तो बैंगन, तो ना तो आलू, तो ना तो प्याज, ना तो टमाटर, कोई चीज इस काबिल नहीं कि बंदा पकाए। तो क्या बनाऊं, दिल चाहता है सबको बेवकूफ ही बना दूं जैसे हर कोई बना रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे YouTube के बहनों और भाइयों, मैं आपकी बहन मिसेस चौधरी इन एक्शन बाजी मुशरा नसारी के YouTube चैनल पे आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज मेरी प्यारी बेटी डोली दुबई से आई हुई है, तो मैंने सोचा कि आपकी इससे मुलाकात करवा दूँ। वैसे तो खैर इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि ये चौधरीओं की बेटी है लिहाजा बड़ी खाओ पी रहे, इसको जो मिल जाए वो खा लेती है, भावे दवार ही हो गए दवार भी खा जानी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉली और इस वक्त हूँ मैं अपनी मम्मी जी के घर पे उनके अपने हाथ का बना हुआ लजीज खाना खाने के लिए आए। वैसे कितना ही अरसा हो गया मम्मी जी। जरा अच्छी तरह अंग्रेजी में कहना सब्सक्राइब करें, मैं तो तरले कर करके थक गई थे। व्यूवर्स, आपने लाजमी मेरी मम्मी जी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे मम्मी जी आप बना क्या रही हैं? वैसे तो पुत्र महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे लगता है कि ना तो बैंगन, तो ना तो आलू, तो ना तो प्याज, ना तो टमाटर, कोई चीज इस काबिल नहीं कि बंदा पकाए। तो क्या बनाऊं, दिल चाहता है सबको बेवकूफ ही बना दूं जैसे हर कोई बना रहा है। मम्मी जी वो खुदा का वास्ता जलील ना करवा दें कहीं। नहीं नहीं, मैं तो आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने बनाना है सूजी का हलवा और मटर कीमा। हाय कितना ख्याल है आपको मेरी पसंद का। मैं कितनी अच्छी माँ हूँ और तू किस तरह की बेटी है, जोड़ी फंसा के मुझे ले गई थी शॉपिंग मॉल में, तो अल्लाह ने मुझे बचाया, रख के मैं चुप करके निकल गई हूँ। और छोड़े मम्मी जी, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताए ना ताकि मुझे भी तो आए कैसे बनाना है। इंग्रेडिएंट्स पुत्र, तू तो इतनी को कुचजी है, चटनी भी नहीं बनानी आती तुझे, क्या मैंने बताना है। जितनी को तू कुचजी है ना, तुझे तो कख भी बनाना नहीं आता, मुझे कुछ भी सिखा दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कीमा है ये बकरे का है या संडे का? डोली तुझे पता है संडा मंडा ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, तुझे ये नहीं पता कि चौधरी के घर में कभी बड़ा गोश्त नहीं पकता होता, हम लोग छोटा बकरे का गोश्त ही खाते हैं, इसी का कीमा पक रहा है हमारे घर, बहुत शोधी ना बनाया कर। ये तो है वैसे, ये चल, तो शोधी ना बन, मसाले तीन बार नोट कर। नोट किधर है? नोट किधर है मम्मी जी? नोट हाय सारी दाद के पै गई है, नोटा का नाम सुन दिया दंगल पै जाती है। नहीं मैं मसाले की इंग्रेडिएंट्स लिखने की बात कर रही हूँ। चल देखिए इतने चावल की गल। अच्छा तो इसकी खुशबू तो चेक कर, लहसुन अदरक का पेस्ट कितना अच्छा है। मम्मी जी ये तो उसी कंपनी का नहीं है जो कंपनी बड़े खालस किस्म के ना मसाले भी बनाती है। ना ना ले, चुप कर जा, नाम नहीं लेते होते। नहीं नाम क्यों नहीं लेना? चुप कर जा, बिजनेस प्रैक्टिस होती है, बिजनेस सीक्रेट होता है, जब वक्त आएगा तो हम उनका नाम लेंगे। हाँ जी अच्छा छेती उधर मुझे कीमा पकड़ा, और इसको हमने कीमा डाल के भूनना, मैंने अदरक लहसुन डाल लिया था नहीं पागले है, जब हमने कीमा इसमें डाल के भूनना है ना, तो भून भून के जब इसकी माँ मर जाएगी ना तो फिर ये अच्छी तरह भून जाएगा। और वैसे भी कीमा जो आपने अदरक लहसुन प्याज के साथ भूनना है ना, तो इसकी सारी हुमक निकल जाएगी। हुमक हुमक ये क्या होता है डोली? हुमक होती है उछान। हाय हाय उछान क्या होती है मम्मी जी? बड़ा तंग कर दिया तू, वो उछान नहीं होती, वो जो स्टिंक होती है जो के खाने की चीजों में से घुस जाती है तो आती है। शो दीजिए ना, हो तो बड़ी आई दवाइयों हरे भूल गई सारी पंजाबी है। तो खैर हमने ये अभी कीमा डाल के इसको भूना, नमक मिर्च पकड़ा छेती हो, टाइम सिर्फ देख। अब इसकी हमने हुमक निकाल दी है बिस्मिल्लाह की बरकत से, हैं कोई ना करे हरकत तो करो बिस्मिल्लाह की बरकत। ओ दे मतलब की ना, लाल मिर्च दे, लाल मिर्च तो हल्दी, जल्दी जल्दी हो डोली। तू कैसे जाके, मैंने देखा दुबई में ना बड़ी फिट गई हुई है, आता जाता तुझे कुछ नहीं है, पता नहीं तू नवील को क्या खिलाती है। सारे काम करती हूँ ला जाने, मैंने तो लगा तू तो ऑर्डर ही कर दी रहने, तो खाने ऑर्डर करने की बड़ी बीमारी है। और पड़ा सुखा धनिया, सुखा धनिया हाँ जी, खुशबू सुन जरा। हाय ये वही मसाले जिनका हमें भी नाम नहीं लेना है। ए देखना खुशबू चेक कर, जबरदस्त है। अब जिस वक्त हमने ये डाल टमाटर पड़ा, टमाटर खाम खाम गला ना पड़ा, एक मिनट है उन पा दे टमाटर, वो काम भी किया सारे डाल दो पा दे। देखिए ना ये है ना रौनक किससे लगनी है, जिस वक्त हमने इसका ढकना बंद कर देना है ना, तो फिर ये कीमे ने
इसमें पानी पुनी हमने कोई नहीं डालना कि अपने पानी में पकता है या टमाटर के पानी में पकता है। तो मम्मी जी मटर कब डालने? डालने लगी पड़ा इधर मैंने का लिया। तू हर चीज की बेचैनी बड़ी होती है तुझे यार। मटर है तब मटर डाले और हमने मटर डाल के तो ना इसका ढकना थोड़ी देर बंद कर देना ताकि इस मटर इसी के थोड़ा सा इसका जो पानी है ना उसके अंदर ही आपते गल जाएंगे। तो मैं और भाइयों देखा आपने कितना प्यारा मटर कीमा मैंने बना लिया। नीक धनिया पड़ाते हैं मिर्चा भी देख लिया। माशाल्लाह वाह ताला कितने को प्यारा लग रहा है ये माँ सदके जाए। वाह देखा सर है मम्मी जी हलवा डोली बड़ी तू बदतमीज है फिट्टे मुँह तेरा। तुझे पता नहीं है कि हमारे खानदान में जो कोई बुढ़ा हो जाता है उसको हलवा कहते होते हैं। ओहो मम्मी जी मैं सूजी के हलवे की बात कर रही हूँ। अच्छा चले छोड़े बस ये मुझे ये बताएं कि पतीली निकाल देती हूँ मैं और मुझे बताएं कि आगे मैं चीनी निकालूं। चीनी निकालूं नहीं सारा कुछ है इधर पड़ा हुआ। वैसे शेफ मैं हूँ कि तू अपनी औकात मेरा असिस्टेंट है तो असिस्टेंट बन के रहे बोलते गल्ला ना करते इस। अच्छा चल खैर ये पतीली अब हम चूल्हा चलाते हैं। तो देखे हलवे की भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की गलती हो तो प्लीज माफ कर देना। ये लोग नहीं माफ करते टोक देते फिर। ये रहा देसी घी तो ये रही सूजी तो ये इलायची तो ये रही इसके ऊपर जो दाम की वर्कियां ने क्या कहते हैं इसको गिरियां छिड़कनी होती है ठीक है। तो अब हमने जलाना चूल्हा 1 2 3 तो आ लो फड़ो चूल्हा जल गया। अच्छा चले ना अब ये पतीली करना क्या है आगे देसी के हो गए तो ता बन रहा हलवा। लोगों को मैंने देखा ऑयल में हलवे पकाते हुए कोई स्वाद ही नहीं गा। अच्छा जी हलवे की जो सूजी है ना हमने हल्की हल्की मट्ठी मट्ठी आँच पर उसको फ्राई करना है नाले हमने डाल देनी है थोड़ी सी इलायचियाँ वो भी साथ ही फ्राई हो जानी है। तो बहन और भाइयों आपको वैसे हलवा पकाना आता ही होगा लेकिन पंजाबियों के हलवे की गल ही कुछ हो गए हैं। असं तो बुजुर्ग घ्यो ही बहुत पाने हैं सानू तो बड़ी सख्त होका ही है मेरा ख्याल बोतल लूट लो थोड़ी सी वैसे मजे का लगता है। तो जिस वक्त इलायची ने उस वक्त आनी है खुशबू अच्छी सी है। वैसे मैंने बताया आपको कि आपने आधा किलो सूजी के अंदर आधा कू किलो से थोड़ी कू कम चीनी डालनी है तो उसकी चाशनी भी पकानी है। वैसे ये जो हल्की हल्की बनाई है ना ये जो हल्का हल्का सरूर है तेरी सूजी का ये कसूर है कि हमें हलवा बनाना सिखा दिया। देखा ना मेरे बहन और भाइयों मिसेस चौधरी इन एक्शन कितना को एंटरटेनमेंट वाला मेरा चैनल है। नाले आपको खाना पकाना सिखा रही तो नाले नाच गाना चल। अरे मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप ये नाच गाने की कहाँ से बात करिए नाचना कब से शुरू कर दिया आपने? डोली इसमें कोई नवी बात तो है नहीं जो ऐसा मुझे कब के नचा रहे हैं अपनी उंगलियों के ऊपर तुझे आज पता चला गला कर दी भैया। चल हूँ चाशनी कितने आएगी पकाई से कि नहीं सिखाई? मम्मी जी मैंने पहले से बना के ये बोतल के अंदर रखी हुई है। ना सदके जाए मेरे बच्चे के कितनी प्यारी है मेरी बेटी है। तो हमने जब इसमें चाशनी डाली है ना तो तू देखी इतनी तड़फनी चढ़नी है ना इस सूजी को तो इसने वो फड़क मारनी की ओए 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 उसके ऊपर हमने देना ढकना। आपको जितना को नरम चाहिए ना क्या खुशबू उतना ही आपने पानी डालना है। अगर आपको चाहिए तो ढकना बंद कर दो भाई। लेकिन ढकना क्यों नहीं पुत्र जब सूजी होती है ना जब इसके ऊपर भून के पानी डालते तो पुड़क पुड़क के इसने वो कर देनी कि जेडे रह रब दा ना है इन्हें पटक पटक के बाहर आना है फिर पटाके मार दिए बहुत सारे। हाँ तो मैं इतने में ना वो डूंगा पड़ा जरा मुझे सालन निकाल लूं। हाँ ट्रकीमा निकाल लूं ले ले मैं हलवा भून लेती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मटर कीमा। दिल कर रहा है कि इसको मैं किसी को भी ना दूं मतलब मेरा दिल भाई मानो नहीं मेरी बेटी है मैं दे दूं कोई बात नहीं। वैसे हलवा भी बड़े मजे का बन रहा है ना। वैसे डोली जी मेरी तू मान दी है ना गल हलवा में कहो जा बनाया है? लो मैंने बनाया है सारा काम तो आपने मुझसे कराया खुद तो आप बातों में लगी रही हैं। ए जड़े सारे हलवा जात है मेवा जात है ना सारे मैं ही तो कट के रखे ने। वैसे डोली बड़ी हल्की तबीयत की बेटी है तू। अल्लाह ने ऐसी बेटी किसी को ना दे अते अल्लाह ने मैंने बचाया है तो शॉपिंग मॉल के अंदर मुझे फंसा के ले गई थी जो मैं पैसे ना बचाती तो मैंने मारी जाना था। ओ बस करें मम्मी जी खुदा का वास्ता है अपनी बेटी के लिए तो ना सही लेकिन आपने तो मेरी औलाद के लिए मेरे बच्चों के लिए भी 1 रुपए की चीज नहीं खरीदी तो मेरे बच्चों ने क्या कहना है कि नानी अम्मा ने हमें 1 रुपए की चीज नहीं खरीद के दी। तेरा बेड़ा तर्जे दूर फिटे मुँह तेरा। आजकल किसी को नानी अम्मा कहते हैं भला एवं छेड़ पड़ जाती होती है। वैसे तो है ही बड़ी बकवास बच्ची मेरे चैनल पे आकर मुझको ही लेट डाउन कर रही है। अच्छा चले गुस्सा ना ना करें मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हाँ हलवा बन गया बना दिया है मैंने हलवा। अच्छा फोन आ रहा है फोन मेरा। ओए नवील है हेलो। हाँ नवील
हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, सारा सामान अच्छे तरीके से पैक कर लिया था ना, अब बोर्डिंग पास ले लिया है ना। अच्छा अच्छा, मेरा अपना बच्चों का सारा सामान सही से पैक किया है ना। बस ठीक है पहुंचो, फिर मैं लोकेशन भेज रही हूँ, है अल्लाह हाफिज। अरे मम्मी जी, मैंने ना नबील और बच्चों को भी इधर ही बुला लिया, मुस्तकिल अब यहीं रहेंगे। आए मैंने कहा कि भाई दुबई जैसी इतनी महंगी जगह, पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ऊपर से वो माँ का कार, जन्नत की हवाएं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने है मम्मी जी क्या हुआ बेटा, तेरी उदास थी पर इतनी उदास नहीं थी कि तू मेरे सर पे सवार हो जाए टबर समेत। मम्मी जी तो कार ही छोड़ के चली गई है। बहन मिसेस चौधरी इन एक्शन आ चुकी है और इस वक्त कराची शहर की एक हसीन से टांगे में बैठी हुई है। देखिए कितना प्यारा लाल टांगा तो पीले कपड़े, हाय कबूतर कितने प्यारे ने, कराची के कबूतर कितना अच्छा लग रहा है। ये है माहौल सारा, माहौल चेक करो तुसी।